ऐसी ही और वीडियो देखने और सांपों के बारे में जानकारियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नमस्कार, अभी मेरे पास खबर पहुंची थी कि हमारे जो टैणादी पालपुर गांव है उसके पीछे कॉलोनी बनी हुई है, तो उस मकान के एक मकान है, मकान के साथ में ये टीन के छोटे छोटे टुकड़े डले हुए हैं, तो इनके नीचे एक सांप देखा गया है, काले रंग का बता रहे हैं, हो सकता है ब्लैक कोबरा हो, तो उसको देखते हैं। अभी इन दिनों में सांपों ये इस टाइम जो है जो रेड स्नेक है वो भी ऊपर से हल्के ब्लैक दिखाई देते हैं, तो चलो देखते हैं रेड स्नेक है या कोबरा है, उसको पकड़ने की कोशिश करें। आराम कर कर ले दो, हटा लिया था, देख लीजिए वो एक बार बात यो टुकड़ो हिसाब से ये देख देख कर आराम बताया था कि रेड स्नेक ऊपर से ब्लैक दिखाई देते हैं, तो ये रेड स्नेक नहीं है, ये एक ब्लैक कोबरा है, इसको ऑपरेशन करेंगे आप। ये झुंडी हटा दो, कृपया बिना प्रशिक्षण बिना सांपों की जानकारी के किसी भी सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि सांप जहरीला हो या बिना जहर वाला अपने बचाव के लिए काटता है, और जानकारी के अभाव के कारण आपको स्नेक बाइट से हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। देखिए, इतनी ज़्यादा बेल होने के कारण ये जो मेरी स्नेक कैच टोंग है ये काम नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे इस टोंग को साइड में रख के और हाथ से ही इस सांप को काबू करना पड़ा, क्योंकि ये बेल इतनी ज़्यादा थी कि इनसे इनके अंदर से इस टोंग से पकड़ना आसान नहीं था, इसलिए मुझे इसको हाथ से ही पकड़ना पड़ा। तो देखिए आपके सामने ये ब्लैक कोबरा, इसको मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, इसे स्पेक्टिकल कोबरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्पेक्टिकल होते हैं, और इसी उसी हिसाब से इसको स्पेक्टिकल कोबरा भी बोलते हैं। कट्टोली काटो, एक मिनट की आराम तो देखिए 4 फुट का कोबरा इस डब्बे के अंदर समा गया है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक सांप जो है चाहे कितना भी बड़ा हो वो एक थोड़ी सी जगह में अपने आप को सेटल कर लेता है, ये देखिए, और ये नहीं कि इसमें कोई दिक्कत हो रही हो, इसको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो इसको हम एक सुरक्षित जगह पे छोड़ देंगे। वेलकम बैक, अभी हमने टैणादी पालपुर गांव से जो एक स्नेक रेस्क्यू किया था उसको मैं छोड़ देते हैं, ये नहरी इलाका है और बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे रह सकता है।
तो देखिए हमने इस शाम को यहाँ पर रिलीज कर दिया है, और इसी तरह जियो बचाते रहे, जियो और जीने दो, जय जय जाना।